दोस्तों, मैं हूँ संचिता। ये मेरा फास्ट यूट्यूब वीडियो चैनल है। मैं फास्ट मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तो हम लोग सब घर पे बैठे हुए हैं और हम लोग के पास बहुत टाइम है, तो ये टाइम पे हम कुछ नया सीखें। मैं आज आपको क्लॉक बैक विंडिंग के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। आप लोग तो जानते हैं कि ये क्लॉक बैक प्रिंटिंग और ये प्रिंटिंग का जो जितने भी एरिया है वो तो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो अगर मेरा ये कुछ वीडियो से अगर आप लोग कुछ सीख पाए तो हो सकता है कि इन फ्यूचर में आप खुद के लिए एक नया बिजनेस क्रिएट करो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो पहले मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ क्लॉथ बैक प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो कितने टाइप्स का होते हैं। मेनली क्लॉथ बैक प्रिंटिंग प्रोसेस जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक है ऑटोमेटिक और एक है मैनुअल। ऑटोमेटिक मशीन पे जो हम प्रिंट करते हैं वो मशीन को हम बोलते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन। ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन में आप सिर्फ नॉन वोवन बैग ही प्रिंट कर सकते हैं। मैनुअल मशीन जो बहुत सारा लोगों में ये जानकारी है कि वो स्क्रीन प्रिंट में, तो ये मैनुअल स्क्रीन प्रिंट मशीन बोला जाता है। और इसमें सिर्फ नॉन वोवन बैग ही नहीं, आप इसमें नॉन वोवन बैग, प्लास्टिक बैग, जूट बैग, लेदर बैग और स्कूल बैग भी कर सकते हैं। कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। पहले मैं आती हूँ ऑटोमेटिक प्रिंटिंग। ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मशीन में अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे तो आपको एक मशीन खरीदना पड़ेगा जिसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट नियर अबाउट 5 to 12 lakhs। आपको 5 to 12 lakhs खर्च करके एक मशीन आपको खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि मेंटेनेंस। इसके बाद आता है कि अगर आप मशीन, इतना महंगा मशीन आप खरीद रहे हो तो एक मेंटेनेंस आपको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में बहुत सारा कुछ पार्ट्स होता है। अगर आप रेगुलरली प्रिंट आप कर रहे हो तो उसको एक मेंटेनेंस करना बहुत ही जरूरी होता है, तो इसके लिए एक हाई मेंटेनेंस रिक्वायर होगा। मेंटेनेंस आप खुद कर नहीं पाओगे क्योंकि हम लोग ट्रेंड नहीं है, मशीन हम बनाते नहीं, तो आपको एक मैन पावर का रिक्वायरमेंट, जो मैन पावर आपको हर टाइम मशीन का मेंटेनेंस के लिए हेल्प करे। इसके बाद मैं आती हूँ एडवांटेजेस में कि ऑटोमेटिक मशीन अगर आप सब कुछ कर लिए उसके बाद आपका प्रोडक्शन बहुत ही हाई प्रोडक्शन होगा। इसका नियर अबाउट पार्टी प्रोडक्शन होगा 25,000 to 30,000। अभी मैं आती हूँ मैनुअल प्रिंटिंग के बारे में, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मैनुअल बता देती हूँ कि मैनुअल स्क्रीन प्रिंट में अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपको जो मशीन खरीदना पड़ेगा वो मशीन का कॉस्ट विद इन 40,000 में आप एक मशीन आपको मिल जाएगा, मैनुअल स्क्रीन प्रिंट स्टार्ट कर पाएंगे। ये मशीन में कोई मेंटेनेंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है क्योंकि ये एकदम ब्रेकडाउन फ्री मशीन है। और इसके लिए और एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये है कि कोई भी प्रिंट कर सकता है। हाँ, आप सुनने के लिए बहुत ही हैरान हो रहा है कि कोई भी प्रिंट करेगा। यस, कोई भी प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि इस मशीन का जो प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है अगर एक बच्चे को भी अगर सिखा दिया जाएगा तो वो भी प्रिंट कर पाएगा। मगर एक डिसएडवांटेज भी है, छोटा सा, मगर थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि पार्टी प्रोडक्शन थोड़ा कम हो सकता है। ये पार्टी प्रोडक्शन है मैक्सिमम 3,500 से 4,000। तो सीधी बात है दोस्तों, अगर आप ऑटोमेटिक मशीन से काम शुरू करना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट, आपका मैन पावर बहुत ही ज्यादा लगेगा, और बिजनेस में अगर मार्केटिंग ठीक तरह से नहीं हो पाया तो आपका प्रॉफिट भी नहीं निकलेगा। मैनुअल मशीन में अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर पाएंगे,
आपका मैन पावर नहीं लगेगा, आपका खुद आप और आपका जो घर का जो लोग है वो एक साथ मिलकर आप काम कर पाएंगे। और ये आपके लिए जीवन में आपका स्टार्टिंग का जो रिस्क है वो रिस्क बहुत ही कम है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि